हे गाइस, कैसा आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मेरी विद पूरी फैमिली और भी दो फैमिली आ रही हैं और हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बटर पार्क। मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं। और वैसे तो हमारी पूरी फैमिली जा रही है, क्योंकि इस टाइम आप लोग देखो, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मेला हो, पार्क हो या फिर अनदर कोई भी जगह हो, हम पूरी फैमिली से ही जाते हैं, क्योंकि तभी अच्छा लगता है, सिंगल अच्छा नहीं लगता जाते। तो गाइस, अभी हम लोग मम्मी रेडी हो रही है और मैं रेडी हूँ, क्योंकि वहाँ पे नहाना भी है। तो मेरा आउटफिट ये है, मैं आपको बैक से दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना। और ये लड़का मेरी कॉपी बहुत करता है, ये मेरे भाई है, बट क्या बताऊं, मैंने ब्लैक कपड़े पहने हैं तो ब्लैक पहन लिए। हाय गाइस, गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरी इस टाइम हालत बहुत ज्यादा खराब है, बताने लायक नहीं है। पेट सब गड़बड़ चल रहा है, आंखें भी लाल हो रखी हैं, बुखार भी चढ़ रहा है। अब नहाएंगे, फिर उसके बाद की हालत भी आपको दिखाएंगे कैसी होती है। गाइस भैया देखिए, मतलब वाटर पार्क जाए तो मुंह चमकाए रहे। मम्मी अपनी लिपस्टिक लगा रही है। सो फाइनली गाइस, सारे लोग रेडी हो चुके हैं और मम्मी का सिर्फ पल्लू उड़ाना बाकी है, बाकी दीदी भी रेडी हो चुकी है और पापा बाइक से आएंगे, हम लोग कार से जा रहे हैं और अभी बस निकलने वाले हैं। इतनी दूर से मुझसे मिलने आई है सजापुर से, काफी टाइम भी लगा, बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई है। और दीदी की आईडी का क्या नाम है? रश्मि दीक्षित 9809 ना। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करो और इनकी आईडी को फॉलो करो। बैठिए, तुमसे नहीं बताते हैं। टिकट ना लो, हम जा रहे हैं। हाँ टिकट लियो, एंट्री ले हैं इसे। टिकट है? अरे भैया अनुज, तीन वाले अपने लोग हैं। तीन लोग अंदर लोग जाए। वो अरे जो देखो, दो नहाने के हैं, दो कपड़ा में लेके वो नहीं है दीदी है हम। ओ भाई निकाल लियो भाई, टिकट दिखा दियो, टिकट मेरे मेरे से दिखा दे। सबकी टिकट हो चुकी है, हम लोग ने एंट्री ले ली है। बहुत मजा आने वाला है आज, पूरा ब्लॉगिंग तक देखना। सोफा इन लेकर हमारी एंट्री हो रही है और ये पुलिस अंकल हमारी एंट्री कर रहे हैं। ये वाटर पार्क पहले से थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, तो ये पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो गाइज, अभी हम जैसे आप छुट में घर से आए थे, तुरंत उसी में नहाने के लिए जंप करेंगे। और ये रही मेरा बिल्कुल एकदम, पुलिस अंकल मुझे ही देख रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि मतलब मैं अपनी फैमिली से गई हूँ थी, इसलिए मुझे अलाउ किया नहाने के लिए। वैसे लड़कियाँ लड़के एक साथ अलाउ नहीं करते हैं। और ये भाई और हमने जंप लगाई। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग इतने आए थे, ये भाई लोग सारे लोग हैं, ये सब तीन चार फैमिलियों के लोग हैं। और गाइस पता है, इतना डांस कर रहे थे ये लोग, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ का नशा चढ़ गया हो। बस ये स्विमिंग पूल का नशा है जो सबके चढ़ जाता है, मेरे भी चढ़ा है। गाइस देखना, मैं भी स्लो मोशन रील बनाने जा रही हूँ। गाइस ऐसा लग रहा था नाक में पानी चला जाएगा, बट जब स्लो मोशन रील देखी ना, तो सब बिल्कुल अच्छा लगने लगा। कितनी प्यारी शूट है, बट थोड़ा सा ब्लर मुझे लग रहा है। तो गाइस अब मैं चौथी जंप लगाने जा रही हूँ। उतने टाइम से मैंने चार बार जंप कर चुकी हूँ पानी में,
और ये खतरनाक भी साबित हो सकता है, बट फिर भी मैं नहीं मान रही हूँ। मुझे जंप लगाना बहुत पसंद है। बहुत नाच हुआ है और बहुत ही मस्ती आ रही है, और अभी हम लोग नहाने कपड़े चेंज करने जा रहे हैं। आपको मैं पूरा बटर पान दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं और अभी हम आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिल्कुल नहा चुके हैं, फुल मस्ती के, बहुत ज्यादा मस्ती की। आप लोग कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। तो गाइज, अभी हमने रील शूट की है और मैंने एक अपलोड भी कर दी है, स्टापे आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं उधर देखने लगी थी क्योंकि एक लड़की लाइव डांस कर रही थी, ना कि वो रील बना रही थी। बस ऐसे हम लोगों का मनोरंजन कराया दी थी, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और मेरे भैया का तो बिल्कुल मन और दिल दोनों खुश हो गए थे। तो बस यहाँ पे बैठे बातें कर रहे थे और स्टिंग और कुरकुरे खा ही रहे थे। जैसे बहुत सारे मुझे प्यारे से फैंस मिले जो काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहे थे कि आप जब फ्री हो जाओ तो एक फ़ोटो लेनी है। तो मैंने बोल दिया, हाँ, अलाउ कर दिया कि आप ले सकते हो फ़ोटो। तो ये जो भैया थे ये मेरे फ़ोटोज़ लेने लगे। तब तक एक और बहुत ही प्यारे से फैन मुझे मिल गए, वो भी मुझे बुलाने लगे कि एक फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। गाइस, पता आप लोग जब ऐसे मुझे प्यार देते हो, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में एकदम खुशी मिल जाती है, एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आती है। तो गाइस, ये भी एक अपना कैमरा लेके आए थे स्पेशली मेरे लिए, मेरी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। तो मैंने कहा जी जरूर बिल्कुल फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने जैसे फ़ोटो क्लिक करवाया, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और हमें घर के लिए भी जाना था, सोचा थोड़ा वक्त पार्क की साइड हो लें फिर उसके बाद में। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा पार्क के साइड में आए थे और यहाँ पे हम लोग ने ये वाला झूला झूला है, और दीदी और वो कार्तिक उधर वाला वो वाला झूला झूल रहे हैं, और ये स्लाइडर है तो स्लाइड नहीं करेंगे, और उधर भैया झूला झूल रहे हैं। गाइस, आप लोग बैक से देख लो कितना प्यारा यहाँ का है व्यू। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने झूला वगैरह सब झूल लिया है और हम लोग जा रहे हैं घर को। थोड़ा सा पैकिंग कर ले जो भी सामान ला के आए थे। बर्फ इतना ठंडा पानी कहाँ चिल्डे और मिला ही ले तो अच्छा है। बैक है। सो गाइस, अभी हम लोग ने बहुत ज्यादा मस्ती की और प्यास लगी थी और बिल्कुल चिल बगैर ठंडा ठंडा पानी है। मम्मी, इसमें पानी कर लो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि पापा बाद में बाइक से आएंगे, तो पापा बाद में बाइक से आए। मामा, आपकी टिकट पड़ी? पापा की टिकट नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पापा हैं। गाइस, अभी टिकट नहीं पड़ी है, वो ऐसे ही आ गए हैं अंदर, और अभी थोड़ी सी मस्ती की है, पानी वगैरह पिया। इतना इतनी मतलब गर्मी थी, क्या बताएं आपको। बस सब चल रहे हैं कुछ समय बाद। जो गंदा रही है जमीन गंदी हुई, गंदी थी। पापा देखो पल्ली लाए रंग में। कहा लाए? क्या दिखाई? पापा पल्ली देखो बता रहे हैं। एक बार खा रहे बहुत बढ़िया रहे घर पे लेके दे रहे गाइस। समोसा लिया हम सब करने वाले हैं। सर सर, वो का खात करेंगे? अरे ना, मतलब मेरे बाटा पैक खाने। गाइस, ये बच्चा है, इसे हम दीदी हमारी खाएंगी। ये स्वाति के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बाटा पैक घूम लिया और हम जा रहे घर पे। गाइस, भैया जा रहे हैं ऑटो से, नहीं कार से, टुक टुक से, टुक टुक से जा रहे हैं। लेंस हो गया जी। हम लोग जा रहे हैं ऑटो में बैठी, करेक्ट।